तो हे गाइज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल गेमिंग आइकन एंड सबसे पहले तो आप मेरी आवाज पर थोड़ा फोकस मत करना बिकॉज गाइज मेरे को थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया है कोरोना नहीं हुआ है टेंशन मत लो ठीक है आप डरने की बात नहीं है मेरी सांस आप तक नहीं पहुंचेगी so, जैसा कि आप सबको पता है कि न्यू मतलब अपडेट आ चुका है फ्री फायर का एंड इस अपडेट में बहुत ही ज्यादा चेंजेस हुआ है आप सबको पता है ठीक है मैं भी देखकर भाई मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा तो बाकी सब बात का कुछ नहीं लेकिन न्यू अपडेट गाइज बहुत ही ओपी वाला है एंड इसमें मुझे पता है कि काफी बंदों के हेडसोर्ड नहीं लग रहे होंगे क्योंकि गाइज मैंने खुद देखा है मेरे खुद के हेडसोड बहुत ही कम लग रहे हैं ठीक है क्योंकि गाइज न्यू अपडेट आया था कुछ तो चेंजेस हुआ होता ही है हेडसोड के और इसी में ठीक है तो देखो यहां पर मेरे हेडसोड नहीं लग रहे लेकिन कभी-कभी लग रहे हैं तो इसका मैंने फुल्ली मतलब डिटेल निकाल लिया है कि कैसे हेडशॉट लगेंगी और कैसे नहीं लगेंगे ठीक है तो इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग वन टैप हेडशॉट एकदम प्रॉपरली एग्जैक्टली मार सकते हो एनिमी को आफ्टर अपडेट क्योंकि अपडेट से पहले तो थोड़ा आसान था लेकिन अपडेट के बाद थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया है ठीक है तो उसको मैं सॉल्व करूंगा इस वीडियो में तो वीडियो को पूरा वॉच करना एंड गाइस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो यार फिर तो आपने कुछ किया ही नहीं मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ एंड आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार दिल से बुरा लगता है यहाँ पर यहाँ पर लगता है गाइस समझ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो एंड बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना क्योंकि वन मिलियन होने में ज्यादा देर नहीं है आपको गाइस एक महीने में वन मिलियन हिट करना है सो लेट्स बैक इन टू द वीडियो सो so गाइज सबसे पहला जो चेंज किया गया वो है गाइज ये आई बटन जैसा कि आप सबको पता है इस पर क्लिक करते हो तो आपका स्क्रीन एकदम रोटेशन हो जाता है ठीक है और दूसरा जो चेंज है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा गाई सेंसिटिविटी में बहुत ही ज़्यादा छेड़खानी किया गया है गैरना के द्वारा आफ्टर अपडेट जैसा कि आप सबको पता है कि पहले सेंसिटिविटी कम होता था गाइज मैंने खुद एक्सपी मतलब एक्सपीरियंस किया उसके बाद गाइज मैं आपको बता रहा हूँ मैंने खुद गेम प्ले किया है यहाँ पर देखो एक और जो सेंसिटिविटी इसमें ऐड कर, कर दिया गया जो कि है फ्री लॉक ये क्या है ये मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपका जैसे आई वाला बटन है ये है फ्री लॉक इसका जितना ज़्यादा करोगे आपका सेंसिटिविटी उतना हाई हो जाएगा ठीक है सो तो इसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं बात करूंगा जनरल और रेड डॉट ठीक है तो गाइज़ अपडेट से पहले जनरल और रेड डॉट को अगर हम हंड्रेड रखते थे तो हमारे अच्छे हेडसेट लगते थे ठीक है लेकिन अपडेट के बाद जैसे मैं इसको हंड्रेड रखता हूँ तो गाइज मेरे हेडसेट बिल्कुल भी नहीं लगते ठीक है इसके पता नहीं पीछे क्या रीज़न है मतलब मुझे जहाँ तक लगता है गाइज कि गैरना की सेंसिटिविटी मतलब गेम की सेंसिटिविटी को बढ़ा दिया गया ठीक है जिसकी वजह से गाइज मैंने 90 और 92 किया जनरल को 92 किया और रेड रेडर्ट को 90 किया तब से गाइज मेरे हेडसॉट थोड़े से अच्छे लग रहे हैं ठीक है थीकि? तो और भी मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंसिटिविटी को कवर करूँगा कि कौन सी अच्छी सेंसिटिविटी है क्योंकि जैसे जैसे मैं खेलूँगा टाइमिंग के साथ वैसे वैसे सही रहेगा तो फिलहाल के लिए गाइस सेंसिटिविटी में छेड़खानी की इसकी वजह से आपके हेडसॉट नहीं लग रहे हैं तो आपको क्या करनी सेंसिटिविटी को थोड़ा सा चेंज करना है नाइन्टी और नाइन्टी जनरल और रेड रेडोट कर लेना अभी बात करते हैं टिप नंबर टू की कैसे हेडसॉर्ट वर्क करता है आफ्टर अपडेट कहीं हमारा पॉइंट नंबर टू होने वाला है कि कई बंदे क्या करते हैं अपने फायर बटन को डायरेक्ट ऊपर ड्रैग करते हैं ठीक है जैसे कि आफ्टर अपडेट यहाँ पर एक कैरेक्टर को खड़ा कर दिया गया है देख सकते हो डी जे एडम को आप सब जानते होंगे यहाँ पर देखो कहीं मैं डायरेक्ट अपने फायर बटन को ऊपर खींच रहा हूँ तो मेरा हेडसॉर्ट लगने का चांस ही नहीं है मतलब एक भी हेड नहीं लग रहा यार मेरा जहाँ पर एम लॉक हो रहा है वहीं पर मतलब जा रहा है और हेड्स लग ही नहीं रहा है तो यहाँ पर गए सबसे बड़ी मिस्टेक बंदे क्या करते हैं कि अपने फायर बटन को डायरेक्ट ऊपर ड्रैग करते हैं सो तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है जब आप लोग डायरेक्ट ऊपर ड्रैग करते हो तो आपका जो एम है वो बंदे की एनिमी की बॉडी पर ही लॉक हो जाता है ठीक है तो जो आपका एम है उसको बॉडी से हेड पर लेकर जाने के लिए एक ट्रिक होता है जिसको कि मैं आपको फॉलो करना चिखाऊंगा जो कि ये गाइज रोटेशन ड्रैग ठीक है रोटेशन ड्रैग एक ऐसी चीज़ है जिससे कि एनिमी के बॉडी से आपका एम जो एनिमी के हेड पर जाएगा ठीक है तो वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है आपको रोटेशन ड्रैग कैस यहाँ पर देख सकते हो कि मैं कैसे बंदे को हेडसॉट मारता हूँ एकदम आपको स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ देखो मैं अपने फायर ब्रिंड को रोटेशन करके ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ ठीक है यानी कि पहले नीचे खींच रहा हूँ अपने फायर ब्रिंड को और तुरंत उसको एकदम ऊपर खींच रहा हूँ तभी मेरा हेडसॉट एकदम ओ पी वाला लग रहा है तो यही है इस हेडसॉट मारने की ट्रिक अभी मैं आपको कुछ क्लिप और दिखा देता हूँ और भी समझा देता हूँ गाइज़ यहाँ पर आप लोग आराम से देख सकते हो कि मैं अपने फायरबैन को देखो रोटेशन कर रहा हूँ और उसके बाद ही मेरे वन टैप लग रहे हैं ठीक है ठीके? देख सकते हो आप लोग कि कैसे मैं वन टैप मार रहा हूँ मैं अपने फायरबिन को नीचे घिस कर जैसे ही ऊपर कर रहा हूँ तो मेरे हेडसोट लग रहे हैं ठीक है ठीके? अब यहाँ पर गाइज़ मैं एक चीज़ का और आपको बताना चाहूँगा कि जब भी मैं यहाँ पर वन टैप मार रहा हूँ हमेशा पहले जंप करता हूँ कई बार नहीं करता हूँ जंप लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जंप करता हूँ उसके बाद वन टैप मारता हूँ तो गाइज ये सीक्रेट ये है कि आपको कभी भी अपने फायर को एकदम ऊपर ड्रैग नहीं करना है अपने फायर को नीचे खींचकर ऊपर ड्रैग करना है जिसको कोई रोटेशन ड्रैग भी बोलते हैं ठीक है थीके? या फिर अप डाउन ड्रैग यानी कि डाउन अप ड्रैग इसको बोल सकते हो आप लोग तो ये गाइज बहुत ही अच्छा ट्रिक है एंड ये ट्रिक गाइज सबको पता है लेकिन कोई भी यूज़ करना नहीं जानता है तो इस वीडियो में मैंने बता दिया एक बार आप इसको ट्राई करना है तो हंड्रेड एंड वन परसेंट आपके हेड बहुत ही तगड़े लगेंगे ठीक है सो तो अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया आपको तो लाइक कर सकते हो एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि यार सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आप सब्सक्राइब नहीं करते हो यार भले लाइक मत करो कुछ भी मत करो पर सब्सक्राइब तो बनता है यार तो फटाफट सब्सक्राइब कर देना और हाँ गाइज़ मेरा गेमिंग रूम बन रहा है एकदम न्यू प्रोफेशनल ठीक है जिसमें कि दो से तीन लाख रुपीज़ आएंगी सो so, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसका व्लॉग मैं अपने व्लॉग चैनल पर डालूंगा सो so, व्लॉग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो सो so, यार बहुत ही या अच्छा रूम बन रहा है एकदम तगड़ा वाला पी सी वी सेटअप वगैरह सब कुछ होगा तो so, मज़ा आएगा आपको एक बार व्लॉग चैनल को चेकआउट करना लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू गाइज जय हिंद